हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोभी मंचूरियन। कौन कौन है जिसको गोभी अच्छा नहीं लगता? मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब भी गोभी मंचूरियन बनता है ना तो ओह माय गॉड, दिस टेस्ट सो गुड कि आपका रेजिस्ट ही नहीं कर सकते ना खाएं। जिनको अच्छा नहीं लगता वो लोग ये गोभी खाएंगे, और जिनको अच्छा लगता है वो तो कच्चा गोभी भी खा जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का कॉलीफ्लावर। इसके फूल आपने अलग करने हैं कॉलीफ्लावर से, काटने के बजाय इसको आप फूल अलग करें तो वो बेहतर रहेगा। और फिर आप इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड करके उसके ऊपर एक टेबलस्पून नमक डाल के 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने देखना है कि ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो, इसको आप हाफ कुक करना है और फिर आपने इसको बॉइलिंग वाटर से निकाल के सेपरेट करके रखना है। फिर हमने बनाना है एक बैटर, उसके अंदर आपने डालना है 4 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चम्मच अदरक या पिसा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और 1 चाय का चम्मच वाइट पेपर। वाइट पेपर नहीं हुआ तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्चें भी। फिर मैं 1 चाय का चम्मच इसमें लहसुन डाल रही हूँ, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर हुआ तो आप 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर ऐड कर लें। फिर हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक सा इसका बैटर बनाना है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे बन जाए। फिर आप इसमें ऐड करें वो कॉलीफ्लावर्स जो आपने या गोभी जो आपने बॉयल किया हुआ था, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 4 मिनट तक के लिए आपने इसको फ्राई करना है, या फिर जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। अगर ये क्रिस्पी नहीं होता तो आप इसको एक दफ़ा फ्राई करें 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसको निकाल के साइड में रख दें और फिर दोबारा से जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए दोबारा फ्राई करें, फिर ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है। जस्ट बिफोर सर्विंग, जब आप इसको सर्व करने लगें तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 कप हरा प्याज डाल के थोड़ा सा इसको भुनें, और फिर उसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस और 6 टेबलस्पून केचप डाल के इसको मिक्स करें। नमक मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने गोभी बॉयल करते हुए भी नमक डाला था और बैटर में भी नमक डाला है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच वाइट पेपर, आप चाहें तो काली मिर्च ऐड कर लें उसकी जगह, और हमारा सॉस रेडी हो गया। थोड़ा सा हम इसको ग्रेवी बनाएंगे इसके अंदर, तो हम डालेंगे 2 टीस्पून हम लोग कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उस सॉस को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम चावलों के साथ खाएँगे तो उसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाएँगे। तो देखिए जी, मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, इसके साथ मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च इसमें ऐड करूँगी, आप चाहें तो कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, कुछ भी। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया गोभी। तो हमारा गोभी मंचूरियन रेडी हो गया, थोड़ा सा खट्टा मीठा स्पाइसी इसका टेस्ट होता है। और आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको रोटी के साथ या एज बाइट्स खा सकते हैं आप। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।